हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति गौर स्वागत करती हूँ आपका नए ब्लॉग में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अरबी की दही वाली सब्जी। तो ये जो अरबी होती है, ये नॉर्मल अरबी जो हम सूखी अरबी बनाते हैं या रेशे वाली पानी वाली अरबी बनाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी और टेस्टी लगती है। मेरे घर में तो जब ये सब्जी बनती है तो 2 या 3 रोटी फालतू ही खाई जाती हैं। तो आप भी एक बार मेरे साथ बनाइए और मेरे साथ शेयर कीजिए कि क्या आपके घर में भी ये सबको पसंद आई। तो इसे बनाने के लिए पहले हम अरबी को उबाल लेते हैं। अरबी को मैंने 4 सीटी लगाकर कुकर में उबाल लिया है। उसके बाद उबाल कर इसको अच्छी तरीके से छील कर फिर हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अरबी को उबालते समय ध्यान रखिएगा कि अरबी उबलनी चाहिए, घुलनी नहीं चाहिए। तो मेरी अरबी कट गई है। उसके बाद मैंने 2 टमाटर लिए हैं और अपने स्वाद अनुसार आप मिर्च लीजिए। मैंने 4 मिर्च ली हैं और टमाटर और मिर्च को काट लिया है। पहले मिर्च को काटने का ये होता है कि आप पहले मिर्च काटिए फिर उसके बाद टमाटर काटिए। तो मैंने आधा टमाटर पहले काट लिया है, उसके बाद मिर्च काटी है और फिर उसके बाद मैंने दोबारा टमाटर काटा है। इससे अगर आपको हाथ में मिर्ची लगती है तो आपको कम मिर्च लगेगी हाथ में, अगर मतलब किसी को हाथ में जलन हो जाती है। फिर मैंने एक कढ़ाई को गरम करके उसमें सरसों का तेल डाल लिया है और सरसों का तेल डालने के बाद मैंने इसमें डाली है 1 चम्मच के बराबर अजवाइन। और अजवाइन डाल के फिर मैंने इसमें डाला हींग और हींग डाल के थोड़ी देर मैंने अजवाइन को पकने दिया है। जब अजवाइन अच्छी तरह से भुन जाए और चटकने लगे तब हम इसमें ये हींग डालेंगे। मैं जो हींग यूज़ करती हूँ ये शिव ओम छाप हींग है और ये बहुत ही बढ़िया है। जब से मैंने इस वाली हींग को यूज़ किया है तब से मैं और हींग नहीं मंगाई। जब ये छौंक अच्छी तरह से भुन जाएगा तब हम इसमें डालेंगे टमाटर और मिर्ची जो हमने अभी काटी थी, उसको हम डाल लेंगे और आराम से इसे गैस को लो कर देंगे और इसे थोड़ी देर अच्छी तरीके से नमक डालकर पकने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर जो है एक खट्टी सब्जी है और वो बहुत मुश्किल से गलती है, तो नमक डालने से जो टमाटर के गलने का प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाता है, इसलिए हम छौंक में नमक डाल देते हैं। तो इसे अच्छी तरीके से नमक डाल के फिर हम इसे थोड़ी देर ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे और फिर हम इसमें जब ये गल जाएंगे टमाटर तो इन्हें करछी से दबा दबा कर अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे जिससे ये बिल्कुल बारीक हो जाए और खाने में मोटे मोटे टमाटर ना आए। तो उसके बाद हम इसमें हल्दी डाल लेंगे, धनिया डाल लेंगे और फिर इसे जब भी मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा तो ये तेल छोड़ देगा और उसके बाद हम इसमें डालेंगे लगभग 1 गिलास के करीब पानी। इस अरबी की सब्जी में हम ज़्यादा मात्रा पानी की नहीं डालते हैं क्योंकि उसके बाद ये अरबी ना टेस्टी नहीं लगती। तो हमारे यहाँ जो दही आता है ना वो दही खुला नहीं आता है, तो हमारे यहाँ ये आनंदा का पैकेट आता है दही का। ये मैंने 2 पैकेट दही इसमें डाला है। इसको अच्छी तरीके से पैकेट के अंदर ही मैंने बहुत देर चला लिया था और इसे चलाकर ही दही को आप सब्जी में डालेंगे और उसके बाद हम दही को चलाते रहेंगे। और अगर इसे चलाएंगे नहीं तो ये दही ना सब्जी के अंदर फट जाएगी। तो दही को अच्छी तरीके से हम डालने के बाद सब्जी में चलाएंगे। इसके बाद मैंने इसमें 2 पैकेट दही भी डाल लिया और फिर इसे खूब देर तक, जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता, इसे आंच को धीमी करके ही हम पकाएंगे और अच्छी तरह से तब तक चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता है। मैंने इसमें 2 पैकेट दही भी डाल लिया है और इसे अब मैं जब तक इसमें उबाल नहीं आता तब तक इसे चला दूंगी। इसे हिलाते रहेंगे तो धीरे धीरे इसमें उबाल आने लगेगा और जब इसमें उबाल आने लगेगा तब इसमें हमने जो अरबी को छीला था और काटा था उस अरबी को हम इसमें मिला देंगे। तो हम अरबी को सब्जी में डाल देंगे और कम से कम 5 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। इससे क्या होगा, जो अरबी के अंदर दही का स्वाद आ जाएगा और ये जो सब्जी है वो और भी टेस्टी लगने लगेगी और थोड़ी गाढ़ी भी हो जाएगी। तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इतना पानी नहीं डालना है कि अरबी में केवल पानी पानी दिखाई दे, तो मतलब बस थोड़ी अरबी डूबनी चाहिए, बस इतना पानी और दही होना चाहिए इसके अंदर। और यकीन मानिए ये सब्जी इतनी टेस्टी बनती है, इतनी अच्छी बनती है कि हमारे घर में तो इसे सब
चाट चाट कर उंगलियां खाते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारी दही वाली अरबी। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बनाकर खाइएगा। और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको दही वाली अरबी कैसी लगी। तो परोसिए इसे रोटी के साथ, इसे आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं। मैंने इसे रोटी के साथ खाया, बड़ी टेस्टी बन रही है। बाय बाय।